हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कोरल ड्रॉ में BMW का लोगो किस तरह से बनाते वो देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एक फाइल ले ली, टूल बॉक्स में जाके एलिप टूल्स ले लिया और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। जो भी सर्कल हमने लिया है उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर 6 रखी। और इसे सेंटर ऑफ पेज रख दिया। ये हमने जो सर्कल लिया है उसे बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर लेनी है 4। बॉर्डर का कलर यहाँ पर हमने ग्रे ले लिया और अंदर कलर इसे ब्लैक ले लिया। प्लस से डुप्लीकेट कर लेनी है। डुप्लीकेट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर देखो 4 एरो आ जाते, देन क्लिक करके ड्रैग कर लेना है और दूसरा सर्कल वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जो यहाँ पर हमने दूसरा सर्कल लिया है उसी के ऊपर वाइट कलर दे देना है और वाइट कलर देने के बाद यहाँ से एक गाइडलाइंस ले लेनी है। पहले से इस सर्कल पे क्लिक करना है तो आपको सेंटर दिखेगा, जो गाइडलाइंस है उसे प्रॉपर आपको सेंटर पे रख देनी है। सेम वैसे ही ऊपर की रूलर से भी आपको गाइडलाइन ले लेनी है और वहाँ पर सेंटर पे जाके उसे छोड़ देना है। प्रॉपर सेंटर पे आपकी गाइडलाइंस रहेगी उसके बाद आपको बेजियर टूल या पेन टूल्स ले लेना है और ये गाइडलाइन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है वैसे ही फिर से एरो टूल्स पे क्लिक कर लेना है, फिर से पेन टूल ले लेना है। हॉरिजॉन्टली भी आपको स्ट्रेट लाइन गाइडलाइंस के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाती है तो आप जूम करके उसे वापस से एडजस्ट कर सकते हो। फिर नीचे ऑप्शंस में जाना है, लास्ट में वहाँ पर स्मार्ट फिल आपको मिलता है। स्मार्ट फिल लेके यहाँ पर वाइट कलर ही ले लेना है वाइट कलर चॉइस करके बॉर्डर नन रखनी है, हर एक जगह पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके हो जाता है तो फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेना है और फर्स्ट कॉर्नर का कलर आपको कौन सा चाहिए वो कलर यहाँ पर ले लिया मैंने ब्लू। लास्ट वाले पार्ट का भी सिलेक्ट करके इसे कलर ले लिया ब्लू। इन दोनों को तो पहले से हमने वाइट कलर रखा है। कलर देके हो जाता है तो यहाँ पर टेक्स्ट टूल्स ले लेनी है। टेक्स्ट टूल से यहाँ पर क्लिक कर लेना है, कैपिटल्स में लिखना है बी स्पेस एम स्पेस डब्ल्यू। BMW लिखते हो स्पेस देना जरूरी है। फॉन्ट यहाँ पर उसका एरियल रखना है, बोल्ड करना है। साइज आपको उसे
बड़ी करके चेक करना है वहाँ पर बराबर साइज़ होगी कि नहीं। कलर उसका वाइट रख दिया हमने, साइज़ या हमारा जो गैप है उसके हिसाब से रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने BMW लिखा है वाइट कलर में, फिर टेक्स्ट में जाना है, फिर टेक्स्ट टू पाथ ले लेना है। फिर टेक्स्ट टू पाथ लेने के बाद ऊपर वाले सर्कल के हिसाब से यहाँ पर BMW का लिखा जो रहेगा उसे छोड़ देना है। फिर यहाँ से हमें उसे नीचे की तरफ ढकेल शिफ्ट कर लेना है। से इस तरह से एडजस्ट कर लिया, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पर जैसे आपको सही लगता है। तो एम प्रॉपर स्ट्रेट गाइडलाइंस के ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से BMW को हमने फिट टेक्स्ट टू पाथ से सर्कल के अंदर एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद ये ब्लैक वाले सर्कल पे क्लिक कर लेना है, उसे थोड़ा ग्रेडियंट कलर फील कर लेना है आपको। लास्ट ऑप्शंस में जाना है, इंटरेक्टिव फील ले लेना है। इंटरेक्टिव फील में यहाँ पर जाने के बाद फाउंटेन फील मिलता है। फाउंटेन फील लेने से पहले आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट में ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट कर देना है। ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट करने के बाद यहाँ पर आप जब सर्कल लिए हो उसे यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल से जो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर लिए इस तरह से यहाँ से क्रॉस में ड्रैग कर लेना है। सिर्फ फर्स्ट जो यहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा है उसे यहाँ पर एलिप्टिकल फाउंटेन फिल्स में कन्वर्ट कर लेना है और इस तरह से ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर रख देना है। सेंटर पॉइंट रखने के बाद ये वाला जो लाइटनेस होता है उसे भी यहाँ पर छोड़ देना है। थोड़ा दूर रखेंगे तो उतना लाइटनेस यहाँ पर कम रहेगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर पीछे ब्लैक वाले को डबल कलर से अप्लाई कर दिया है। वैसे अंदर यहाँ पर स्काई ब्लू कलर के जो हमारे दो ऑब्जेक्ट है उन्हें शिफ्ट दबा के क्लिक कर लेना है और शिफ्ट दबा के दोनों को क्लिक करने के बाद यहाँ पर उन दोनों को शेपिंग में जाके यहाँ पर वेल्ड कर लेना है और वेल्ड करने के बाद उन दोनों को भी यहाँ पर इंटरेक्टिव फील्ड में जाना है, फाउंटेन फील ले लेना है। फाउंटेन फील में यहाँ पर एलिप्टिकल फाउंटेन फील ले लेना है। इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल में आपका जो यहाँ पर वाइट कलर से उसे क्लिक कर लेना है और वाइट कलर को यहाँ पर चेंज करके दूसरे स्काई ब्लू कलर्स में यहाँ पर चेंज कर लेना है। इस तरह से दूसरा स्काई ब्लू लेने के बाद सेम वैसे यहाँ पर वाइट कलर पे भी शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इन दोनों को भी यहाँ पर शॉर्टकटली भी आप वेल्ड कर सकते हो शेपिंग के ऑप्शंस को। और फिर से यहाँ पर आपको जाना है इंटरेक्टिव फिल ले लेना है, उसमें फाउंटेन फिल में लीनियर एलिप्टिकल फाउंटेन फिल ले लेना है और उसमें भी सेम आपने जो एलिप्टिकल फाउंटेन फिल लिया है उसमें यहाँ पर वाइट से पहले का ऑफ वाइट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन ये सेंटर में जो हो रहा है सेंटर पॉइंट को नहीं चेंज करना है, तो इसके लास्ट पॉइंट को क्लिक करके वो कलर आपको चॉइस कर लेना है, थोड़ा कम वाला ले लेना है, सेकेंड वाला। तो इस तरह से आपका BMW का लोगो यहाँ पर क्रिएट होता है। इसे फिर से एक सर्कल ड्रॉ करके सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पर बॉर्डर दे देनी है 4 और यहाँ पर ग्रे कलर की बॉर्डर राइट क्लिक करके अप्लाई कर लेनी है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर BMW का लोगो बना सकते हो। तो आज हमने कोरल ड्रॉ में आसानी से BMW का लोगो किस तरह से बनाते हैं वो देखा है। ये वीडियो मेरा आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे और भी हम लोगोज़ वगैरह की वीडियो लेते हैं आने वाले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।